सबसे पहले तो ये पड़ेगा गेट यहाँ का पहाड़ी औरा का, यहाँ से आपकी होगी एंट्री। और तो ये था मंदिर, ये है किचन, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉडीगार्ड की भी दिक्कत नहीं है। बस बस बस, ये पहाड़ी औरा का बॉडीगार्ड है, ये दो बॉडीगार्ड है, ये वाला जो मैंने अभी तक मैंने कवर किया था, वो सामने मंदिर, वो सामने किचन, ये आप देख सकते हैं हल्दी वगैरह, ये सारी हल्दी जो है ऑर्गेनिक है, ये मतलब कि मैं आपको यहाँ के जो किंग है उनसे मिलाना चाहूँगा, क्योंकि इतने बड़ी किंग के पास ही होते हैं, एक तो किंग सिंगर वाला है और एक है मनीष किंग। ये बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन नहीं है यहाँ पे, और अल्कोहल नहीं है। अच्छा, अगर आप आ रहे हो अपनी फैमिली के साथ रहने, अच्छे से मतलब एक्सप्लोर करने वाइल्ड, तो ये है मैगी, ब्रेकफास्ट करेंगे मैगी के साथ, ऐसे व्यू के साथ। तो गुड मॉर्निंग जो है वो हो चुका है, और रात को मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मैं आया हूँ पहाड़ी औरा में, और मैं अब आपको दिखाऊंगा कि क्या है पहाड़ी औरा, कैसा है देखने में, और क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि जो व्यू है और जो यहाँ पे सीन है वो काफ़ी ही तगड़ा है, और मेरा मोटिव ये रहता है कि आपको तगड़ी तगड़ी चीज़ें दिखाऊँ और यहाँ पर आप लोग इंजॉय कर सकते हो। सारा चीज़ मैं बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। ये सबसे पहले तो यार आप लोग सिर्फ और सिर्फ व्यू एंजॉय करें, और ये देखिए और ये चाय भी आ चुकी है हमारी तगड़ी सी। व्यू मैं आपको दिखा रहा था अभी, क्योंकि शुरुआत में करूँगा शुरू से, तो चाय के साथ ही चलते हैं पीछे वापस। यार आप ये देख सकते हैं ग्रीन टी आ चुकी है, लेमन टी बोल सकते हैं इसको, और मैं आपको व्यू दिखा रहा था यहाँ पे, लेकिन अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा। सबसे पहले तो ये पड़ेगा गेट यहाँ का पहाड़ी औरा का, यहाँ से आपकी होगी एंट्री, और यहाँ से आप सीधा जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। वैसे आपको ये जो प्रॉपर्टी है वो दिख रही होगी यहाँ से पूरी, ये नीचे तक पूरा मेरे भाई का ही है, लेकिन मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा सारा कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी तो काफ़ी बड़ी है, और यहाँ से ही चलते रहेंगे अगर हम थोड़ा सा, तो सबसे पहले हमको दर्शन होंगे मंदिर के सामने। जूते उतार के चलते हैं, ये देखिए ये है पहाड़ी औरा का मंदिर, और ये आप एंट्री के लिए देख सकते हैं कैसे अच्छे से बना रखे हैं। ये देखिए ये है मंदिर, जहाँ पे शुरुआत में ही मंदिर है, ताकि नेगेटिविटी जो भी है वो सब बाहर चली जाए। ये बाकी मेरा भाई पी चाय पी रहा है। अब थोड़ा और आगे चलेंगे अगर हम, तो ये जो है ये वाला एरिया, ये है यहाँ की किचन, जहाँ पे ऑर्गेनिक खाना बनाया जाएगा, क्योंकि पहाड़ी औरा का मेन फोकस यही है कि सबको ऑर्गेनिक खाना खिलाया जाए। ये है यहाँ की किचन, ये देखिए यहाँ पे ये चूल्हा का भी इस्तेमाल किया जाता है, और मॉडर्न भी है थोड़ा बहुत। अभी किचन में ज़्यादा कुछ सामान नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि जो मेन जो है ये पहाड़ी औरा का अभी शुरू नहीं हुआ है ढंग से, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। बाकी तो इधर बर्तन वगैरह धोने के लिए है, और पीछे भी ये किचन जा रही है सीधी, तो उसके पीछे तो खाली है। तो ये था मंदिर, ये है किचन, और ये आप देख सकते हैं सीढ़ियों से रास्ता बना रखा है नीचे जाने के लिए, क्योंकि एक रूम यहाँ पर है, इधर है, सेम रूम पीछे भी हैं, और ये है यहाँ का मेन एरिया, दो एरिया ऐसे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, पहले सीढ़ियों से उतरते हैं नीचे। ये वाला, ये देखो यहाँ पे ये बना रखा है बैठने का,
और यहाँ पर आप ये घास वाला सीन देख सकते हैं, और यहाँ पर ये पानी आता है ये, और ये पानी नॉर्मल पानी नहीं है, पीने का पानी है। ये देखिए यहाँ पे सब्जियाँ भी उग रही हैं, क्योंकि इसका नाम ही पहाड़ी और है, और यहाँ पे आपको सारी ऑर्गेनिक चीज़ें मिलेगी। और ये है सबसे मेन जगह, यहाँ पे आप बैठो, इधर लगेगी आग, इधर सामने आएगा व्यू बढ़िया सा, और बहुत मज़ा आएगा। अब चलते हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन पे, वो है ये है सब हट, इसको बोलते हैं हट। हट मतलब वो वाला हट नहीं जो उसने बोला था, हट वो वाला हट नहीं, दूसरा वाला हट है ये। इसके अंदर ये भी एक रूम है जिसको ऑर्गेनिक रूम लेना, ये वाला मिट्टी का रूम बना हुआ है। एक बार इसको खोल के दिखाता हूँ, अगर खुलेगा मुझसे तो। सबसे पहले आप लोग जाए, ये देखिए ये है पूरा हट यहाँ पे। अभी इस पे लाइटनिंग वगैरह होनी है थोड़ी बहुत, वैसे लाइट तो कम है, बाकी यहाँ पे भी व्यू है। रिक्स लेके मैं आपको दिखा रहा हूँ व्यू, ये देखिए बढ़िया एकदम, ऐसे ये व्यू है यहाँ पे। अब कपल्स के साथ आओ, दोस्तों के साथ आओ, या मेरी और अभिषेक की तरह सिंगल आओ, बढ़िया मज़ा आएगा। यहाँ पे भी आप अपना रह सकते हो, ये देखो इन्होंने मतलब यहाँ पे अलग ही खुशबू है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप लोगों ने मिट्टी वाले घर में रहे होंगे तो आपको पता है, और ये सारा ऑर्गेनिक है इस वाले में। और सेम चीज़ नीचे भी है, साइड में भी है, चार बना रखे हैं ये, और ये हिल भी रहा है, मस्त है। और जैसे कि मैंने बताया था ये पहाड़ी और ऑर्गेनिक की उसमें बना रखा है, तो ये देखिए यहाँ पे ये मशरूम का भी खेती है, उत्तरी मौका साका। वो मनीष कुत्ता आ गया यार, काटेगा क्या ये? नहीं काटता। तो यहाँ पे बॉडी गार्ड भी है, ये देखिए, ये यहाँ पे बॉडी गार्ड की भी दिक्कत नहीं है, बस बस कुत्ता है। ये पहाड़ी और का बॉडी गार्ड है, ये दो बॉडी गार्ड है, एक ये है ये वाला, ये देखिए, और एक वो भाग रहा है, देख रहे क्या खतरनाक है, और एक वो वाला है। तो ये मैं आपको फिर से यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ, ये वाला जो मैंने अभी तक मैंने कवर किया था, वो सामने मंदिर, वो सामने किचन, यहाँ पे ये वेटिंग एरिया, और ये हट एक और दो, एक नीचे है। तो मैंने हट वाला रूम दिखाया था, अब मैं आपको दिखाऊंगा मेन रूम, मतलब जो और भी रूम है, क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ आप छोटे ग्रुप के लिए नहीं है, यहाँ पे आप बड़ा ग्रुप भी कर सकते हैं, यहाँ पे शादी भी हो जाएगी। सबसे पहला रूम मैं दिखाऊंगा, सारे रूम भी दिखाऊंगा सेम ही है, तो पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा। और ये है एक रूम बढ़िया सा, और यहाँ पे आप देखिए अभी तो हमने ये गद्दे नीचे लगा रखे हैं, लेकिन ऊपर भी लगाएंगे, ये बेड वगैरह लगेंगे। और ये देखिए ये भी है यहाँ पे, ये अमन निकला है यहाँ से स्पेशल, देख रही क्या व्यू है। एक बार मैं आपको व्यू का प्रयोग करके दिखाता हूँ कि कैसा लगेगा। मान लो कि आप बिस्तर में ऐसे सो रहे हो, मतलब मान लो कि बेड में सो रहे हो, ऐसे करके समझ लो, ऐसे करके सो रहे हो आप, वो खत्म हो गया, नींद खुली, ऐसे आपने किया, और ऐसे फिर यूं चप्पल पहनी आपने, फिर ऐसे आप बाहर गए। अब आप फिर देखिए कितना मस्त व्यू आएगा, ऐसे करा, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी, नल में से पानी पिया, और यहाँ बैठ गए। तो ये है रूम एक, इधर एक रूम है उधर, और उधर वाला भी रूम सेम है। तो यहाँ पे रूम का भी है जुगाड़, और सेम ऐसे रूम पीछे भी हैं, लेकिन
वो थोड़े बड़े हैं। अब मैं आपको नीचे का सिस्टम दिखाता हूँ। ये वाला भी तो देखो बैठने के लिए, कमरा है आज इनके पीछे भी एक कमरा है ऐसे ही, जिसमें बहुत सारे किराएदार रहते हैं। अब मैं वापस सीढ़ियों से नीचे उतर के दिखाऊं। ये है स्टोर रूम, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए तो ये आप देख सकते हैं, हल्दी वगैरह, ये सारी हल्दी जो है ऑर्गेनिक है, ये मतलब कि यहीं पर ही उगाई गई है ये हल्दी। ये सारी अभी देखिए प्लेटें वगैरह सब जो काम जैसे आएंगी उसके लिए वो रखी हुई है, लेकिन अभी काम पूरा शुरू होगा तब होगा। तो यहाँ से चलते हैं बाहर। अब आ गया है, ये है वॉशरूम दोनों, ही एंड शी के लिए, ही एंड शी। बिलो पोजीशन आ चुकी है। अब ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था ऊपर हट, ये भी हट है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट बना रखा है। अब ये देखिए ना, यहाँ पे ये बेड बना दिया इन्होंने मिट्टी से ही, पूरा मिट्टी से ही बेड बना दिया। और ये जो बेड है बाद में इसमें और तरीके से इसको इंटीरियर डिजाइनिंग करी जाएगी। और वॉशरूम तो यहाँ पर है ही, अभी थोड़ा बहुत और काम रहता है क्योंकि अभी पूरा 100% शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ा और छोटे छोटे काम रहते हैं तो। और ये वाला है एरिया जहाँ पे आप पार्टी भी कर सकते हो, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने करी है पार्टी। अब देख रहे हो अभी तो घास गीली है, यहाँ पे गद्दे लगा के, मतलब एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ क्या कर सकते हो। सोचो यहाँ पे आपने ऐसे गद्दे लगाए चौकोर में, बीच में आपने अपना सामान रख दिया, कितनी बढ़िया पार्टी होगी आप सोच रहे हैं? ऐसा मेरे को लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बाकी एक कमरा ये है, एक कमरा ये वाला है, ये और वो जहाँ पे आपको टंकियाँ दिख रही है उसके नीचे आपको दिख रहा है वो पूरा का पूरा उन्हीं का है। अभी यहाँ पे और भी कुछ ना कुछ होगा, तो प्रिटी मच यही है पहाड़ी ओरा। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी बना रखा है, काफ़ी बढ़िया है देखने में भी। और इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, मैं चाहूँगा कि हमारे साथ ये पहाड़ी ओरा के ओनर आए और कुछ दो बातें बोले। तो चलिए ओनर के पास चलते हैं, लेट्स गो। मैं आपको यहाँ के जो किंग हैं उनसे मिलाना चाहूँगा, क्योंकि इतने बड़ी किंग के पास ही होते हैं। एक तो किंग सिंगर वाला है और एक है मनीष किंग। ये मनीष को आप लोगों ने शायद मेरे व्लॉग्स में नहीं देखा होगा क्योंकि मनीष बहुत बिजी रहता है। इस बार फाइनली मनीष भाई हमारा आ चुका है। मनीष भाई आप क्या बताना चाहेंगे इस पहाड़ी ओरा के बारे में? पहाड़ी ओरा के बारे में हम यही बताना चाहते हैं कि पहाड़ी का मतलब होता है माउंटेन, जैसे कि हम सबको पता है हम गढ़वाली भाइयों को, तो पहाड़ में बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको उसका पहाड़ी का व्यू मिलेगा। और ओरा का मतलब होता है फीलिंग वाइब्स, आपको पहाड़ वाली वाइब्स मिलेगी बिल्कुल नेचुरल। जैसे कि आप चारों तरफ देख सकते हो कि ग्रीनरी है, और यहाँ पे हमने क्या थीम रखा है कि मड हाउस बनाया है, स्टोन हाउस बनाया है, ताकि लोग अपनी एंशियंट लाइफ, मतलब जैसे हम लोग जीते थे शुद्ध ज़िंदगी जैसे जीते थे ना, वैसे लोगों को पता लग पाए कि कैसे रहा जाता था पहले, जो आप लग्जीरियस लाइफ होगी जो कि थोड़ा बहुत हानिकारक है हमारी लाइफ स्टाइल के, तो उससे हमने थोड़ा हटके ही थीम पे काम किया है। तो इसी वजह से हमने इस टाइप का बनाया है पहाड़ी और हमें, जैसे आप देख सकते हैं कि मिट्टी से बनाया, पत्थर से बनाया, पटाल लगवाए हमने, और ये सीटिंग भी आप देख सकते हैं बिल्कुल मटकी बनाई हुई है, बिल्कुल नेचुरल। और जो फार्मिंग में भी आप करते हैं ऑर्गेनिक, तो जो भोजन भी आपको मिलता है वो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक खाना मिलता है, इसी थीम पे हम काम करते हैं। बाकी यार जो लोग, जो टूरिस्ट आएंगे जो बाहर से, तो उनके लिए मैंने सुना है कि कुछ नो भी है, मतलब कुछ जो चीज़ अलाउड नहीं है वो एक बार पता चल जाए तो। अलाउड ये है कि देखो ये बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन नहीं है यहाँ पे, और अल्कोहल नहीं है। अच्छा। तो अगर आप आ रहे हो अपनी फैमिली के साथ रहने, अच्छे से मतलब एक्सप्लोर करने वाइल्डनेस को, तो आप आ सकते हो। कि यहाँ से आप ट्रैक में जा सकते हो, इधर उधर वाटरफॉल है, नीचे रिवर है, आप वहाँ जा सकते हो, टेंपल जा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फन और पार्टी के लिए आ रहे हो, जैसे आप कैंप में आते हो, वैसे काफ़ी जगह कैंप है आप वहाँ जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको मतलब पार्टी प्लेस नहीं मिलेगा कि आप अल्कोहल और मीट वगैरह यहाँ पर नहीं मिलता है। तो ये है पहाड़ी ओरा का। और अभी काम शुरू कब, मतलब कि जो एक्चुअल 100% बुकिंग है वो कब से शुरू हो जाएगी भाई?
भाई पूरी कोशिश समर से हो जाएगा इस बार। अच्छा, ऐसी सीजन आएगा समर में हो जाएगी, आशा करते हैं कि इस बार हो जाए, नहीं तो ये है कि लास्ट जो दिसंबर आएगा हमारा न्यू ईयर वाला उस तक तो हो ही जाएगी। तो इंस्टाग्राम तो ऊपर आ ही रहा होगा पहाड़ी और का, तो अभी मेरे ख्याल से वेबसाइट भी शुरू हो जाएगी क्या? वेबसाइट भी शुरू हो जाएगी तो फिर ऑनलाइन बुकिंग से लेके ऑफलाइन ऑनलाइन सब रहेगा। तो ये है पहाड़ी और का सीन, तो बाकी तो सारा मैंने कवर कर ही दिया है। मनीष भाई और कुछ एंडिंग करना चाहोगे आप? बस यही है, हम तो ये चाहते हैं कि आप यहाँ पे आइए, अच्छे से ऑर्गेनिक टी पीजिए, ऑर्गेनिक खाना खाइए, शुद्ध जीवन जीजिए, अपनी जो आपकी लाइफ है उसको लंबा बढ़ाइए, और यही बोलना चाहते हैं आपसे। भाई देखो ये जो लास्ट में आपने बोला ना लंबा बढ़ाइए, वो बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि वो सबको ज़रूरत है बस लंबा बढ़ाने की। और योगा का भी होता है यहाँ पे, क्योंकि योग मैंने यहाँ पे योगा और वेलनेस का भी जगह धीरे धीरे, तो मॉर्निंग क्लासेस दी जाएगी यहाँ पे, रिट्रीट वगैरह भी स्टार्ट होंगे धीरे धीरे। काफ़ी हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट है जो चाहते हैं ऐसी जगह में आना ऋषिकेश से, तो ये कि धीरे धीरे वो भी स्टार्ट होगा, सब आपको वेबसाइट में मिल जाएगा क्या क्या ऑफर मिल रहे हैं। क्योंकि मनीष जो है वो योगा ट्रेंड है और इंटरनेशनल योगा ट्रेंड है मनीष, तो ये है। और हमने एक बार हम पुणे का हमारा बना था, तो वहाँ पे भी हमने योगा का किया था, तो लोग मतलब हैरान हो गए थे देख के हमें। तो ये है सारा, तो चलिए और कुछ मैं आपको दिखाता हूँ आगे, तब तक के लिए मनीष भाई को करते हैं, क्योंकि मनीष भाई को जाना है कुछ जरूरी काम से। अरे तुम तो बराबर बोल रहे थे यहाँ दारू नहीं चलती, यहाँ तो दारू चल रही है रात भर। देखिए हमें बोतल पड़ी हुई, ओके चिकन का, चिकन की प्लेट पड़ी है उधर, तो चिकन भाई चिकन तो सब खाते हैं, चिकन तो तूने भी कल खाया था। मैंने तो नहीं खाया था भाई, चिकन मैं तो चिकन की मस्ती खा गई भाई, सुबह टट्टी करी है मैंने, उसमें से तो चिकन नहीं निकला, चिकन तो तुम्हारे मुंह से निकलेगा, तो क्या टट्टी चिकन प्लेट में तो कुछ तो चाहिए मुझे, फल से खा ले क्या फल से निकले रख रखा। देखिए अब थोड़ा बकचोदी शुरू करते हैं, क्योंकि सीरियसनेस तो हो गई काफी। अमन भाई को उठाओ जरा, वो सोते रहते हैं भाई। अमन भाई पता है काम बिजी है, जापानी अमन भाई स्पेशल आया था, जापानी वाली बताने बात हमें। अरे भाई खतरनाक सीन कर दिया अमन ने, अच्छा यहाँ पे मतलब ये इसलिए अगर गर्लफ्रेंड के साथ आओ, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दे तो यहीं पर ही धोखा हो जाए। अगर नहीं दे रही तो धोखा ले लो। तो मनीष ने आपको बताया सारा सीन क्या था यहाँ का, और मैं अभी ऊपर टॉप छत पे आ गया हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ का पूरा 360 व्यू दिखाना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेक्सी हो रहा है, तो चलिए दिखाते हैं। व्यू यहाँ का, आई होप आपको देखने में मज़ा आया होगा। बाकी वो देखिए तो नीचे देखिए कैसा लग रहा है, बोला सीन जो मैंने बताया था जहाँ पे से पानी पी सकते हैं आप, वो वाले में पानी पीने का भी है। तो ये था टाइम लैप्स, आप लोगों ने देखा, आई होप आपको मज़ा आया होगा। और यहाँ की लोकेशन जो है वो मैंने नीचे कमेंट में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप वहाँ से भी लोकेशन देख सकते हैं अगर आपको जाना है तो, और बाकी और एक्सप्लोर करना है तो इसके बारे में। तो चलिए अब हम रेडी हो चुके हैं, चलते हैं अब, हम देखते हैं कुछ खाना पीना होगा तो जैसे ही। बाकी एक चीज़ और मैं आपको दिखाना था, वो रह गया था दिखाना, वो है ये आप सोच रहे होंगे क्या है, ये है पहाड़ी औरा की लौकी। तो ये है मैगी, ब्रेकफास्ट करेंगे मैगी के साथ, ऐसे व्यू के साथ। चलिए जल्दी से करते हैं इसको खत्म।